हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ एक फंक्शन में। किस फंक्शन में जा रही हूँ ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। तो बस रेडी होकर घर से निकल गए हैं, करीबन 12:30 बज रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि एक ऐसे इवेंट के लिए जा रही थी जहाँ पर जाना या मुझे अवसर मिलना बहुत खुशी की बात थी। तो मैं शहर के ही एक बिजनेसमैन है, उनका होटल है, साथ ही शादी का हॉल भी है। वहाँ पर उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा था जहाँ पर मुझे जज की तौर पर बुलाया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था। ये हॉल में मैं पहुंच ही गई हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया गया था। काफ़ी सारे बच्चे और पेरेंट्स आना शुरू हो गए थे। मैं बिल्कुल टाइम की पंचुअल हूँ, तो मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गई थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज था एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, यहाँ पर और भी जज बुलाए गए थे जो धीरे धीरे करके आते जा रहे थे। और धीरे धीरे अभी तो पहली पहल है, धीरे धीरे और कंटेस्टेंट बढ़ेंगे ऐसा लगता है मुझे, जैसे जैसे प्रचार होगा उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू। फर्स्ट टाइम देखा गया है कि किसी होटल ने आपके सामने से ये इतना अद्भुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है बच्चों के लिए। सबसे पहले हम तीनों जजेस के बारे में परिचय हुआ और उसके बाद सबकी थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हुई कि आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो मैंने भी अपनी राय रखी और अपनी बातें कही। इस तरह वहाँ जज की चेयर पर बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसे कई कॉम्पिटिशन में जज का रोल किया हुआ है, मुझे ये सौभाग्य मिला है और अभी भी मिल रहा है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर बहुत ही सम्मान सहित हमें स्टेज पर बुलाया गया, हमारे हाथों से दीप प्रज्वलन हुआ। प्रोग्राम शुरू होने के पहले ये जो प्रक्रियाएं हैं वो तो होती है और वो सारी चीज़ें हुई। फिर हमें बूके देकर हमारा सम्मान किया गया और फिर हम अपनी सीट पर आ गए और उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत हुई। सारे पेरेंट्स काफ़ी उतावले थे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होकर आए थे, देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और अपने बच्चों की याद आ रही थी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी इसी तरह कॉम्पिटिशन में उन्हें लेकर जाती थी। कई बच्चे आने के बाद हमें स्टेज पर बुलाया गया। मोहन भाई आप आ गए, मोहन और आप आ गए। इस होटल के प्रोप्राइटर आशीष पाल जी का एक भावना मुंबई को बोल। कभी वो पार्टी नहीं करते, इसीलिए आप कोई भी, पहली बात तो ये कंपटीशन जीत हार का नहीं है। हरनूर कौर से निवेदन है कि वो भी हमारे निर्णायक का सिमरन का, आइए टुटेजा उनका स्वागत करें, आपका स्वागत करें। अब नाम बाद में छूट जाता है, आप उनका स्वागत करें। और आप सभी जोरदार तालियों से निर्णायकों का स्वागत करें और एक ताली अपने सब बच्चों के लिए, जोर से बच्चों के लिए जोर से बजाइए, हॉल गुंज जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा निर्णायक लोग पहुंचते हैं, निर्णायकों को नंबर दे दिए गए, कितने नंबर में क्या देना है आपस में तय कर लिए। वो आपको फिर बता, होटल के जो ओनर थे उनकी फैमिली ने हमारा स्टेज पर बहुत ही अच्छी तरह से सम्मान किया, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम सारे जजेस अपनी अपनी सीट पर बैठ गए जजमेंट करने के लिए। वो अलग अलग ग्रुप थे, सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप, 10 साल से छोटे बच्चे और 10 साल से बड़े बच्चे। तो इस तरह कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, सबने बहुत ही उत्साह दिखाया। तकरीबन 50 बच्चों की एंट्री हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना था, नंबरिंग करनी थी। सबसे पहले झांसी की रानी आई, तो जो सबसे पहला कंटेस्टेंट होता है काफ़ी घबरा गई थी, उसने कुछ डायलॉग याद करके आए थे लेकिन वो उस समय भूल गई थी। तो कोई बात नहीं, ऐसी स्टेज पर कई बार हो जाती है चीजें। I was known for my bravery and for never making
माय फेमस वर्ड्स वर दुश्मन की गोलियों का डटकर हम सामना करेंगे, आजा भी रहे और आजा भी रहेंगे। लेट अस ऑल रिमेंबर द करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ द नेशन आजाद। ट्राई टू मेक अ कंट्री अ प्लेस वेयर फ्रीडम एंड जस्टिस प्रिवेल। जय हिंद। आलिया बच्चे के साथ साथ माँ बाप के लिए भी है क्योंकि उन्होंने बच्चे को इस तरह का प्रोत्साहन दिया। मराठी दुल्हन, महाराष्ट्रीय दुल्हन नए रूप में। स्कूलों के अलावा बाहर इस तरह के कंपटीशन होने से काफ़ी सारे बच्चे आए थे, हर साइज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर पेरेंट्स आए थे, दो ढाई साल के भी बच्चे। बहुत ही अच्छा लग रहा था मम्मी पापा का उत्साह देख के, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या बच्चों को उत्साह दिखाने के लिए उनके मम्मी पापा को उत्साही होना पड़ता है, तभी बच्चे भी कुछ कर पाते हैं। इस तरह बहुत सारे बच्चे आते जा रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सारे बच्चे अच्छे ही लग रहे थे, कोई बुरा नहीं था। लेकिन नंबरिंग करना एक फॉर्मेलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सोलेशन प्राइज दिया अलग अलग ग्रुप को। तो उसके बाद आई एक टीचर और ऐसे कई अच्छे अच्छे संदेश और बातें लेकर बच्चों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन किया। फैंसी ड्रेस में केवल ड्रेस ही नहीं बल्कि आपकी थॉट, आपकी एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग भी करी। गुड आफ्टरनून, आई एम अ टीचर, आई एम अ ऑल सब्जेक्ट। कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहा, साथ ही मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत इंजॉय किया। फिर हमने जो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया और ऑनर के साथ बैठकर खाना भी खाया। बहुत ही अच्छा गया मेरा आज का दिन। कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।